गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था सेट्स के बारे में। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जानकारी हमने ली, सेट्स डिनोट कैसे करते हैं, सेट्स में एलिमेंट क्या है। उसके हमने दो मेथड देखे थे। कौन सी मेथड देखी थी? एक थी रोस्टर मेथड, उसको ही हम क्या कहते हैं, टेबुलर मेथड। दूसरी मेथड देखी थी हमने, उसमें क्या देखा था, सेट बिल्डर। तो आपको पता होगा कि हमने सेट को कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया, और रोस्टर मेथड में या टेबुलर मेथड में वी सेपरेटेड एलिमेंट बाय कॉमा। जैसे ए, अगर बड़ा ए है कर्ली ब्रैकेट में, ए बी सी डी बाय कॉमा से हमने उनको सेपरेट किया। सेट बिल्डर फॉर्म में उसी चीज़ को हमने अलग तरीके से लिखा, जिसमें एक्स जो था, एक्स बिलोंग्स टू जो था हमारा, एक सच दैट जो दो डॉट या फिर एक यानी लाइन जो थी सीधी लाइन, उसका मतलब था सच डैट, उसको उसके आगे जो पी एक्स हमने लिखा था वो था उसकी प्रॉपर्टीज और रूल। अगर एक हमने एग्जांपल लिया था 3, 6, 9, 12, तो तीन को हम कैसे लिखेंगे, तीन एक्स है लेकिन वो कैसा है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 4। तो n की वैल्यू क्या थी, 1 से 4 तक नेचुरल नंबर थे वो, तो हमने उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया। आज हम कुछ आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ सेट्स क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो पहला सेट, और ये मैक्सिमम चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, हम इसको अच्छी तरह से रिवाइज करते हैं। पहला सेट हमने लिखा है नल सेट या एम्प्टी सेट। नल सेट मतलब कोई, यानी उसका नाम ही उस सेट के बारे में हमें सब कुछ बता देता है। नल सेट या एम्प्टी सेट मतलब उसमें कुछ नहीं, एम्प्टी मतलब खाली, खाली जिसमें एलिमेंट नहीं है। हमने लिखा है अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड एज नल सेट, एम्प्टी सेट। ये आपके लिए नया वर्ड होगा, वॉइड सेट। क्या सेट? वॉइड सेट, जिसमें एलिमेंट नहीं है, जिसमें एलिमेंट नहीं है, वैसे सेट को हम कहेंगे नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। तो वो कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, इसमें कुछ भी नहीं है। कैसे दिखेगा? जिसमें कुछ भी नहीं है उसको हम कहेंगे नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। तो उसी को हम डिनोट करते हैं फाइ, इसको कहेंगे फाइ। नल सेट इज डिनोटेड बाय फाइ, याद रखिए आप इस चीज़ को, क्या करेंगे, फाइ। नल सेट को हम डिनोट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे विद द लेटर फाइ। ओके, चलिए दूसरा सेट देखते हैं। दूसरा सेट है सिंगलटन सेट। नाम से ही इसके बारे में भी हमें आइडिया आ जाती है। क्या कहा मैंने, सिंगलटन सेट। तो सिंगल सेट मतलब सिंगल, सिंगल मतलब अकेला, आई एम सिंगल, लेकिन मैं सिंगल नहीं कह सकता, मुझे आई एम मैरिड, लेकिन अभी हाँ सिंगल हूँ। लेकिन जैसे आप कहते हो स्टेटस में लिखते हो सिंगल, बात ऐसी है कि ये मैरिड और सिंगल वाला नहीं था, सिंगल मतलब अकेला, सिंगल मतलब अकेला, जो सेट सिंगल एलिमेंट से बना होगा, जो सेट सिंगल एलिमेंट से बना होगा उस सेट को हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। अगर एग्जाम्पल हम देखें इसका, अगर मैंने कहा कि ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है, गिव अस द सेट दैट इज प्राइम बट नंबर हैज टू बी इवन, तो ये सिंगलटन सेट होगा या नहीं होगा? सिंगलटन सेट क्यों होगा सिंगलटन? बिकॉज इसमें एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज टू। क्यों? क्यों? क्योंकि ये अकेला ऐसा नंबर है जो इवन है एज वेल एज प्राइम है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। अगर मैंने कहा अ नंबर, अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 4, तो कौन सा नंबर होगा, 3। वो भी कौन सा नंबर हुआ, सिंगल।
यानी सिंगलटन सेट में ऐसे एलिमेंट या ऐसे नंबर या ऐसे ऑब्जेक्ट्स आएंगे दोज आर वन इन अ नंबर. कितने? वन इन अ नंबर मीन्स सिंगल इन अ नंबर, उसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट. ओके चलो उसके बाद फाइनाइट यानी और वही चीज जो बोला है वैसे ही समझ आता है. फाइनाइट सेट मतलब क्या होगा? फाइनाइट मतलब सीमित. फाइनाइट मतलब सीमित. अगर फाइनाइट सेट का मुझे एग्जांपल लेना है तो क्या होगा? 1, 2, 3 या फिर ए बी सी डी जो भी, यानी जो कंप्लीट हो रहे हैं, जो कंप्लीट हो रहे हैं. फाइनाइट सेट का मतलब जिसमें मैं वो चीज़ें हैं वो गिन सकता हूँ कितनी है. फाइनाइट का मतलब वही होता है जो मैं काउंट कर सकता हूँ, जो सीमित है, जिनकी बाउंड्री है, उनको हम कहेंगे फाइनाइट सेट. तो छोटा सा एग्जांपल लिया हमने जिसमें हमने डाल दिया 1, 2, 3 या फिर ए बी सी डी एक्स वाई जेड वॉट एवर जो हम गिन सकते हैं, जो हम मेजर कर सकते, उसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट के बाजू में हमने दूसरी चीज़ लिखी, डैट इज इनफाइनाइट सेट. क्या होगा इनफाइनाइट सेट? इनफाइनाइट सेट इसका उल्टा होगा, जो हम गिन नहीं सकते. इसी को मैं थोड़ा एक्सटेंड अगर कर दूँ, यानी ये डॉट डॉट लगा दूँ, मतलब वो क्या होगा? इनफाइनाइट. अनकाउंटेबल नंबर्स. क्या होगा? अनकाउंटेबल नंबर्स मतलब इनफाइनाइट. तो फाइनाइट सेट हमें क्या बताता है? जिसमें हम नंबर काउंट कर सकते हैं. इनफाइनाइट सेट हमें क्या बताता है? जो हम नंबर काउंट नहीं कर सकते, उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट. ओके बाद में एक नई चीज जो हो सकता है आपको पता ना हो, ऑर्डर ऑफ सेट. ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब होता है हमारे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, वो हम कहाँ गिन सकते हैं. अगर इसके पहले हमने जो चीज़ पढ़ी सिंगलटन सेट में, मुझे पता है नल सेट तो ऑलरेडी नथिंग इन दैट. फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो फाइनाइट सेट में आई कैन मेजर द नंबर्स, जो नंबर मैं मेजर कर सकता उसको कहेंगे फाइनाइट सेट का, यानी मेजर सकते तो जो नंबर होगा उसको कहेंगे हम ऑर्डर. लेकिन इनफाइनाइट सेट में हम नहीं गिन पाएंगे, इसीलिए तो हम उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं. तो ये क्या है? ऑर्डर ऑफ सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सेट. तो जैसे कुछ एग्जांपल अगर देखना है तो अगर यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर 6 नंबर है तो ए सेट के एलिमेंट कितने? 6. तो उनका ऑर्डर भी कितना होगा? 6. ऑर्डर क्या होगा? 6. ऑर्डर ऑफ सेट इस ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ ए इसका क्या होगा? 6, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट है, इसलिए उनका ऑर्डर कितना होगा? 6. ऑर्डर ऑफ सेट्स इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सेट. एक बार देखिए, नल सेट जिसमें कुछ भी नहीं होगा डिनोटेड बाय 5, सिंगलटन सेट जिसमें सिंगल नंबर होगा. फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हमने देखा, फाइनाइट सेट द नंबर्स आर लिमिटेड, हम जिसको काउंट कर सकते हैं. इनफाइनाइट सेट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. और ऑर्डर ऑफ सेट ऐसी चीज़ जिसको हम कहेंगे कि हमारे सेट में कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, हम उसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ सेट. ओके अभी और दो चीज़ पढ़ते हैं. एक होता है इक्वल सेट, एक होता है इक्वी वैलेंस सेट. ठीक है, इक्वल सेट और इक्वी वैलेंस सेट. इक्वल सेट, इक्वल सेट हम कैसे कहेंगे? अगर किसी भी दो सेट का हम कंपैरिजन करते हैं, सेट ए सेट बी, किसी भी दो सेट का हम कंपैरिजन करते हैं, सेट ए सेट बी, सेट ए में जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट अगर सेट बी में है तो हम उसको क्या कहेंगे? इक्वल सेट. जैसे लेकिन इक्वल और इक्विवेलेंट इसमें थोड़ा सा फर्क है. जो हमने अभी बात की ये तो ओवरऑल बात ही, अभी इक्वल सेट के बारे में एकदम टू द पॉइंट देखिए क्या लिखा है.
टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें और इक्वलेंट सेट में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा देखिए. इफ टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज अ एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज अ एलिमेंट ऑफ ए. तो इसको देखिए, अगर ए है, इसमें है 1 2 3 4, ओके, और बी है, इसमें है 4 3 1 2, तो ये क्या इक्वल सेट होंगे? हमने पिछले इसके पहले पढ़ा था कि सेट्स का यानी लिखने का क्रम मैटर नहीं करता है. सेट्स इक्वल है मतलब वो दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए. एक के जगह 3 लिखो, अगर 1 3 है 3 1 लिखो, 1 एंड द सेम थिंग सेट के लिए, वो दोनों सेट भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे. तो यहाँ हमने वही लिखा है, ए सेट में क्या है 1 2 3 4, बी सेट में 4 3 1 2. देखा जाए तो दोनों सेम है, इस समय वो दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल. इस केस में वो दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल, और उसी को हम कहेंगे इक्वल सेट. अगर यहाँ 5 होता तो ये इक्वल सेट नहीं होते. इसमें और इसके अगर एलिमेंट सेम नहीं होंगे तो नंबर्स आर नॉट सेम, तो वो इक्वल नहीं होंगे. ओके, अब देखिए इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट वो क्या कहता है? टू फाइनाइट सेट ए एंड बी, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम. सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब अगर ए है मेरा और ए में है 1 2 3, ओके, और बी सेट अगर है मेरा और बी सेट में ए बी सी, क्या दिख रहा है यहाँ? एलिमेंट ए सेट में एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 3. बी सेट में एलिमेंट कितने हैं? ए बी सी. लेकिन सेम डिफिनेशन को पीछे जाओ, इक्वल सेट में क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, बिकॉज 1 इज नॉट ए, बी इज नॉट 2, सी इज नॉट सी. लेकिन ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है, बिकॉज यहाँ भी नंबर 3 है, यहाँ भी नंबर, यानी इनके ऑर्डर देखिए, फिर इसी ऑर्डर को जो हमने पढ़ा है इसी चीज़ को याद लीजिए, दोनों के ऑर्डर क्या है? सेम है. दोनों के ऑर्डर अगर सेम होंगे तो दे आर इक्विवेलेंट सेट, लेकिन ऑर्डर के साथ साथ एलिमेंट भी सेम होंगे तो दे आर इक्वल सेट. ऑर्डर के साथ साथ एलिमेंट भी सेम है, इसलिए ये कौन से सेट है? इक्वल सेट्स. सिर्फ ऑर्डर सेम है, एलिमेंट सेम नहीं. इसका भी ऑर्डर 3 है, इसका भी ऑर्डर 3 है, यानी ए का भी ऑर्डर 3 है, बी का भी ऑर्डर 3 है, तो ये कौन से सेट हुए? इक्विवेलेंट सेट. और ये क्या हुआ? इक्वल सेट. इसको लिख लीजिए. आगे बढ़ते हैं सबसेट और सुपरसेट. सबसेट और सुपरसेट पहले डेफिनेशन थोड़ा आप देख लीजिए, फिर बाद में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. क्या लिखा है? इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स. इफ जो ए एंड बी है जो नॉन एम्प्टी सेट्स है, उसके बाद उन्होंने लिखा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी. कब कब होगा? जब सारे एलिमेंट, क्या लिखा है? सेट ए इज द बिलोंगिंग टू द सेट बी. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंगिंग टू द सेट बी, ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करते हैं, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए. ओके, दो ऐसे सेट्स है वो एम्प्टी नहीं है, दे आर नॉन एम्प्टी सेट्स. ए एंड बी, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट. एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंगिंग टू बी, तो क्या कहेंगे उसको?
ए इज सबसेट ऑफ बी, और अगर ऐसी चीज है तो उसको फिर उल्टा कहेंगे, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। देखो सुपर लगा है मतलब कुछ तो है, क्या लगा है, सुपर बड़ा, ए उसका सब है, सब ऐसे किसी के किसी का है तो हम उसको सब कहते हैं। देखो ना हमने जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी, सब इंस्पेक्टर, सब छोटा होता है, इंस्पेक्टर बड़ा होता है, सही बात है, सब इंस्पेक्टर, तो सब सब इंस्पेक्टर मतलब छोटी पोस्ट होती है, इंस्पेक्टर उससे बड़ी पोस्ट होती है। जैसे क्रिकेट बहुत लोग देखते हैं, एक ऑलरेडी 11th प्लेयर में होता है, बट ड्यू टू कुछ होता है, ड्यू टू एनी कंडीशन, वो उसको कुछ लग गया या फिर वॉट एवर द कंडीशन, वो अगर फील्ड के बाहर आता है, उसके जगह जो जाता है उसको क्या कहते हैं, सब, यानी वो उसका स्थान था उसके छोटा स्थान। वैसे इंस्पेक्टर वाला एग्जांपल एकदम फिट बैठता है, सब मतलब छोटा, उससे ऊपर वाला होता है। तो सुपर को हम देखेंगे, अगर देखा जाए सब इंस्पेक्टर इज ए और इंस्पेक्टर इज बी, वो हो गया सुपर, यानी ए का सुपर बी, बी का सब ए। तो ये ध्यान रखिए कि सुपर सेट और सब सेट। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक, जैसे अगर ए नहीं लेंगे, बी, क्योंकि यहाँ जो दिया है वैसे ही लेते हैं हम, बी में अगर 1, 2, 3 अगर ये नंबर होते तो इसके सबसेट कितने बनते, सबसेट कितने बनते, तो देखिए पहला सबसेट बनता 1, दूसरा सबसेट बनता 2, तीसरा सबसेट बनता 3, बाद में सबसेट क्या बनता 1, 2, बाद में सबसेट क्या बनता 1, 3, बाद में सबसेट क्या बनता 2, 3, सारे बन गए 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3। तो ये क्या है, अगर ये ए, ये इसको मैं सारे इसको कहूँगा ए हमारे डेफिनेशन के हिसाब से, तो क्या दिख रहा है, एवरी एलिमेंट, क्या दिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंगिंग टू सेट बी। देखिए 1 है 2 है 3 है 1 2 है 1 3 है 2 3 है और एक 1, 2, 3 वो भी तो है, यानी ये खुद भी तो है। तो क्या हुआ, ए के सारे एलिमेंट मुझे बी में दिख रहे हैं, तो मैं इनको क्या कहूंगा, दीज आर सबसेट। अगर उसी चीज को फिर उल्टा कहना है मुझे, तो बी क्या हुआ, ए का सुपरसेट। अब आपको थोड़ा क्लियरिटी आई होगी कि जो हमने डेफिनेशन कही थी उसको ही हमने उसको एक प्रॉब्लम के तरीके से उनको सॉल्व करने की कोशिश की। अगर बी में 1, 2, 3 है, इसके बी के एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, तो उसके सबसेट क्या हो सकते हैं जो हमने लिखे। लेकिन एक बात होती है हमेशा, अगर हमें ये तीन नंबर हमने निकाल पाए, हम तीन नंबर इसलिए हम निकाल पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर है तो इतना प्लॉट करना है इजी होता क्या, इतना इजी होता प्लॉट करना नहीं होता। तो ध्यान रखना कि ये जो है, ये है ये n, ऑर्डर ऑफ द सेट n, अगर इसके सबसेट निकालने हैं तो उसका आंसर होता है, उसके अगर सबसेट निकालने हैं तो उसका आंसर होता है 2 to the power n इज इक्वल टू सबसेट्स, 2 to the power n। तो ये कितना था 1, 2, 3, तो 2 to the power 3 कितना होगा 8 होता है, 2 to the power 3 कितना होता है 8 होता है। तो गिन के देखिए पर कितने सेट आए हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अरे सेट कितने आए 7। लेकिन ये तो कहता है कि जितने एलिमेंट होंगे 2 to the power
उतना उनके सबसेट बनेंगे, तो ये एक सेट कहाँ गायब है? सोचिए, एक सेट कहाँ गायब है? एक सेट गायब नहीं है। एक सेट मतलब जैसे मैंने आपको कहा ये तो हो गए, लेकिन ये वाला भाई साहब फाइ, ये वाले भाई साहब फाइ मतलब नल सेट, जिसमें कुछ भी नहीं रहता, वो तो सबका ही सबसेट हुआ ना, सबका ही सबसेट हुआ। तो ये सात बनेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज याद रखना आप, जब भी इसके ये सेट बनेंगे, सेट यानी सबसेट बनेंगे, तो इसमें दो चीज ऐसी रहेंगी, एक होंगी वो खुद और एक होगा फाइ। ये दो चीज ऐसी है जो ये खुद होगा एक फाइ, बाकी तो सारे उसके ओरिजिनल सबसेट होंगे। क्या होंगे? ओरिजिनल सबसेट। इसको हम दूसरी भाषा में इधर कहते प्रॉपर सबसेट्स। क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट्स। क्या कहेंगे? ये भी है, लेकिन फाइ उसका प्रॉपर सबसेट है क्या? फाइ तो नल सेट है, वो तो सबका ही होता है, या फिर ये, तो ये दो चीज थोड़ी अलग है, लेकिन उसके प्रॉपर सबसेट बाकी सारे होंगे। फाइ को कभी मत भूलना आप। जैसे अगर कोई भी है, जैसे अगर ये सिंपल सा एग्जांपल, अगर वन एंड टू है, तो इसके सबसेट कितने होंगे? वन टू, तीन ही हुए। चौथा कौन सा? फाइ। चौथा कौन सा? फाइ। फाइ हमेशा रहेगा। फाइ को हम वाइट सेट भी तो कहते हैं। कौन सा कहते हैं? वाइट सेट। तो इसमें हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए, जब हमने सेट लिखे वन, इसके लिए बारे में देखते हैं, या यही देख, कहीं भी देखिए आप, वन टू एंड वन टू, और एक फाइ। फाइ को हम कहते हैं वॉइड सेट्स। कौन सा? वॉइड, उसका दूसरा नाम नल, तीसरा नाम एम्प्टी। एम्प्टी सेट्स, वॉइड सेट, नल सेट्स एक ही चीज़ होती है। तो फिर इन चीज़ को कहते हैं, बाकी जो बचते हैं, जो नंबर होते हैं, उनको कहते हैं नॉन वॉइड सेट्स। देखिए, प्रॉब्लम जब आता है तो हमेशा आपको जो नंबर या नाम पता है वही नहीं, उसके कुछ अलग नाम भी होते हैं। तो ऐसे अगर किसी ने आपको पूछ लिया वन एंड टू में नॉन वॉइड सेट्स कितने हैं, अरे यार ये तो हमने सुना नहीं, तो हमें कैसे आंसर पता होगा? लेकिन हमें पता है वन एंड टू या इवन, यहाँ फाइव को छोड़ के टोटल तो बनेंगे आठ। ये हमें अभी इस फॉर्मूले से पता रहेगा कि टू टू द पावर ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर जितने होंगे, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, पढ़ चुके हैं हम अभी। ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, टू टू द पावर एन है, तो एन यहाँ तीन था, आठ। लेकिन हमको ये सवाल पूछा ही नहीं, हमें सवाल पूछा हाउ मेनी नॉन वॉइड सेट्स, हाउ मेनी। तो नॉन वॉइड सेट्स कैसे निकलेंगे? अगर लिखना है तो टू टू द पावर एन माइनस वन, यानी जो भी रहेगा उसमें से n 1 माइनस करेंगे, बिकॉज 1 क्यू, 1 मतलब फाइ, 1 मतलब फाइ, तो उसको माइनस कर देंगे। तो वाइट सेट, नॉन वाइट सेट, याद रखिए। ये अभी हमने पढ़ा क्या? सबसेट एंड सुपर सेट। ये एग्जांपल से आई थिंक आपको पूरा सही से समझ में आया होगा कि यह, इसलिए मैंने यह b और a लिया, नहीं तो हमेशा पहले हम a लेते, लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा था? A इज अ सबसेट ऑफ B, तो हमको वही दिखाना था कि A इज अ सबसेट ऑफ B, और B के सारे एलिमेंट यहाँ आते हैं, लेकिन जब हमने काउंट किए तो सात ही आए, लेकिन हिसाब से आठ आने चाहिए थे। हम किसको भूल गए थे? हम, मतलब मैं तो नहीं भूला था, लेकिन हम किसको हमने छोड़ा था? फाइ को। तो फाइ भी महत्वपूर्ण है। फाइ मीन्स नल सेट, उसमें कुछ भी होता नहीं। चले, राइट इट डाउन। तो अभी तक जो हमने किया, इसके बाद हम ले रहे नंबर ऑफ सबसेट कैसे कैलकुलेट करना, जो अभी हमने डिस्कस किया, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर, और पावर ऑफ सेट। तो या फिर हमारा ये टाइप ऑफ सेट्स का डिस्कशन यह रुक जाएगा। ओके, तो जैसे यहाँ दिख रहा है नंबर ऑफ सबसेट्स, हमने अभी ही डिस्कस किया, नंबर ऑफ सबसेट मतलब टू टू द पावर एन, टू टू द पावर एन। लेकिन टू टू द पावर एन मतलब क्या होता है? यहाँ तो बहुत अलग अलग चीज़ें आएगी। तो एन क्या है? यहाँ एन क्या है?
एन इज अ ऑर्डर, एन इज अ ऑर्डर। और ऑर्डर को हमने कैसे पढ़ा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट्स हैविंग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मीन्स ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मीन्स ऑर्डर। तो एन इज इक्वल टू ऑर्डर। जैसे एग्जांपल में हमने अगर कुछ भी लिया ए, अगर इसका अगर इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी एफ, तो कितने एलिमेंट है, एक दो तीन चार पाँच, तो इसका आंसर क्या होता, टू टू द पावर फाइव। टू टू द फाइव का मतलब कितना होगा, 32। कितना होगा 32, टू का हम मल्टीप्लाई कितने बार करेंगे, पाँच, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू ज़ा 32, पाँच बार हमने दो को मल्टीप्लाई किया। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालते समय सिंपल सी चीज़ याद रखना, हम हर बार, अब ये पाँच होते, अभी ए बी ए सी ए डी ई ए एफ, बाद में ए बी सी, ऐसे लिखते लिखते समय बहुत जाएगा, हमें समय को भी बचाना है। अगर ऐसा कभी सवाल आता है, राइट द नंबर ऑफ हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर इन अ सेट, अगर सेट में 20 नंबर है तो क्या होगा, 2 to the power 20, हो सकता है वही ऑप्शन हो, उसको आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो ध्यान रखिए कि सॉल्व करते समय, नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट करते समय हमें क्या करना है, 2 to the power n, एंड वेयर n इज अ ऑर्डर, एंड ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट, हम उसको कहते हैं नंबर ऑफ सबसेट कैलकुलेट करते हैं 2 to the power n। बाद में हमने ये चीज़ थोड़ी डिस्कस कर ली थी, क्या है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट प्रॉपरली हमने कैसे लिखा, देखिए अभी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी। जब ए इक्वल टू बी नहीं होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ए सबसेट ऑफ बी, ये हो गया साइन, ए सबसेट ऑफ बी लिखने का साइन क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी हम ऐसे लिखते हैं, ये डिनोमिनेशन हो गया उसका, डिनोटेड बाय ए सबसेट ऑफ बी। कब, जब ए इज नॉट इक्वल टू बी, उस समय क्या होता है, प्रॉपर सेट को हम क्या कहते हैं, और प्रॉपर सेट कैसे निकलेंगे, 2n माइनस 1, क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये पूरी डिविजन वही कह रही है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ बी, सिर्फ ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी सेम नहीं होंगे, सेम वाला सेट निकल जाएगा, 1 2 3 1 2 3 वाला जो हमने एग्जांपल लिया था, देन ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी। अब उसी चीज में इम्प्रॉपर सबसेट क्या चीज है, इम्प्रॉपर, पहले प्रॉपर लिया, अब क्या बचा, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर में छोटी सी लाइन ली थी, क्या लिखा, द सेट इट सेल्फ, सेट एंड फाई, फाई मतलब नल सेट, फाई मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, सेट इज इम्प्रॉपर सेट, उसको डिनोट करेंगे ए, या सबसेट के नीचे क्या है, अंडरलाइन है, तो क्या है ए, दिस इज डिनोटेड बाय ए इम्प्रॉपर सेट ऑफ बी, ये भी सबसेट है, लिखे से द सेट इट सेल्फ एंड फाई, सेट इज अ इम्प्रॉपर सेट, ओके। अब लास्ट चीज जो है वो है पावर ऑफ अ सेट, पावर ऑफ अ सेट क्या लिखा है, इट कंटेनिंग ऑल सबसेट्स, वो रिप्रेजेंट किससे करेगा, पी ए, लेकिन लिखने का तरीका कैसे, जैसे हमने लिखा, अभी हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ये आप ऊपर का लिख लीजिए, हम इसको फिर वही लिखते हैं। तो पहले जो हमने लिखे हैं उसमें लिखा था नंबर ऑफ सबसेट, वो लिख लीजिए, प्रॉपर सबसेट लिख लीजिए, इम्प्रॉपर सबसेट, पावर ऑफ अ सेट इसमें सिंपल हमने लिखा है, इट कंटेनिंग ऑल सबसेट, इट कंटेनिंग ऑल सबसेट, उसको रिप्रेजेंट किससे किया है, पी ए, ये थोड़ा देख लीजिए मैं इसको कैसे लिखता हूँ,
ओके, पावर ऑफ सेट। अगर मेरे पास सेट है ए कि जिसमें 1, 2, 3 अगर है, तो पी ए मेरा क्या होगा? पी ए क्या होगा? पहला सेट होगा मेरा 1, दूसरा सेट होगा 2, तीसरा सेट होगा 3, चौथा सेट होगा 1, 2, पांचवा सेट होगा 1, 3, छठवा सेट होगा 2, 3, सातवां सेट होगा 1, 2, 3 और लास्ट सेट होगा क्या होगा? 5। ये हो गए मेरे पी ए। ये क्या हुआ? पी ए। पी ए मतलब पावर ऑफ सेट, इट्स कंटेनिंग ऑल सबसेट्स, जिसमें प्रॉपर सेट भी होंगे, इम्प्रॉपर सेट भी होंगे, उन सेट्स को हम कहेंगे पावर ऑफ अ सेट। ये कुछ चीज़ें ध्यान रखिए, कुछ काम आएगी, कुछ आगे चल के नहीं आएगी, लेकिन एक हमें नॉलेज के प्रति हमारे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमने इतने सारे उसके सेट के अलग अलग प्रकार पढ़े, इसमें आप कुछ चीज़ें लिख लीजिए, मैं आपको नोट लिख के देता हूँ, पेन अपना पेपर लीजिए, कुछ नोट लिख के रख दीजिए। इन्हीं जो चीज़ हमने अभी तक पढ़ी उस सारी चीज़ों की लर्निंग, उस सारी चीज़ों की लर्निंग लिखिए। ये लिख लीजिए पहले, उसके बाद मैं आपको लर्निंग लिख के देता हूँ। चलो, फर्स्ट लर्निंग, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। लर्निंग कहो या नोट कहो, जो हमको याद रखना है, और ये अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी उसके ही मुताबिक हम लिख रहे हैं। क्या लिखा हमने? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेकंड पॉइंट, इफ एनी सेट हैविंग एन नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ एनी सेट हैविंग एन नंबर ऑफ एलिमेंट If any set having n number of element, then total number of it subsets are, then total number of it subsets are 2 to the power n, जो अभी हमने पढ़ा 2 to the power n, और उसमें नीचे लिख लीजिए number of proper subsets, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2 to the power n minus 1, 2 to the power n minus 1। तीसरी चीज लिखिए, ये भी आपको पता ही है, फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट। फाई is always the subset of any set. Phi हमेशा subset होगा, वो खुद का भी subset होगा real वाला। Phi null तो null, लेकिन phi के बारे में अब last information लिख लीजिए, proper subset of phi is not defined. Proper subset of Phi is not defined. क्यों? Proper subset of phi is not defined. Why? Phi means null set, empty set. तो उसके proper set कहाँ से आएंगे? यानी हमने जब भी proper set निकाले थे phi, और phi को निकाल दिया था तो उसके proper set मिले थे हमें, यानी phi को हम क्या निकालेंगे? उसमें कुछ है ही नहीं, तो proper फाई का प्रॉपर सेट हम डिफाइन नहीं कर सकते। अभी तक हमने टाइप ऑफ सेट्स और सेट्स के बारे में सारी जानकारी ली, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अलजेब्रा, जैसे मैंने कहा था, हम साइन पढ़ते हैं, कुछ भी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी एडिशन सब्सट्रैक्शन, उसका रिलेशन जो भी होता है वो पढ़ते हैं, हम वो अलजेब्रा ऑफ सेट्स में
क्या यूनियन होता है, क्या इंटरसेक्स होता है, अलग अलग चीज़ें जो होती है, कुछ लॉज है, तो वो सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। ओके, ये सारी चीज़ आपने लिख ली, इसको प्रॉपर ढंग से रिवाइज़ कीजिए ताकि हमें, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें तकलीफ ना हो।